है उसे बचाने की कोशिश की जा रही है या नहीं की जा रही, वो एक बिगर बात है। बट पहले दिन पुलिस से लेके मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल ये कहे ये सुसाइड का मुकदमा है, ये खुद में शेडी है। उस क्राइम सीन को प्रिजर्व करने की जगह अगर उस क्राइम सीन को डिस्ट्रॉय किया जाए, सीसीटीवी एविडेंस को खत्म किया जाए, वहां भीड़ इतनी चली जाए और भीड़ में वो जो कुछ क्रिमिनल चेहरे हैं पहचान में आए, तो ऐसे में ये बात साफ साफ दिखती है कि जो हो रहा था वो कुछ और था और जो है वो कुछ और है। आज बेशक ये भी कहा जाए, एक सेकेंड, बेशक आज ये भी कहा जाए कि सीबीआई ने इस जांच को ले लिया, कैलकटा हाईकोर्ट ने इंटरवीन किया, नाउ सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो इंटरवीनिंग, बट जो बेसिक एविडेंस था वो आज खत्म हो चुका है। देखिए मेरा एक मिनट कंप्लीट कर लो। तो जब बेसिक एविडेंस कंप्लीटली शैटर कर दिया जाता, पुलिस उस मुकदमे को डिफरेंट कलर देना शुरू कर देती है, तो और मैं इसको पॉलिटिकली नहीं देखता बट पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस किया जाता है, पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन चुप रहता है, तो ये सब इस बात को इंगित करती है, करते हैं कि वह सब कुछ ठीक नहीं। एक महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसको, उसके दोषियों को, उसके अपराधियों को हम सजा दिलवाने के बजाय, इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपरली करने के बजाय उसको सुसाइड का कलर देते, इस जघन्य अपराध को हम बिल्कुल डिफरेंटली इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं, इससे बड़ी शर्मनाक बात उस स्टेट गवर्नमेंट और उस पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के अतिरिक्त कोई और नहीं हो सकती। ये जघन्यता है, ये जघन्यता है। मेरा कहना इसमें ये है, अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत इस देश में नहीं है और सीबीआई से बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, यदि जिन लोगों ने लैप्स किए हैं या जो और लोग कनाइवेंस के साथ हैं या हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको कानून के अंदर प्रोविजन है कि उनको अरेस्ट किया जाए, क्या उन्होंने डिस्ट्रॉय किए या डिस्ट्रॉय करने के लिए मदद की किसी आदमी की, तो ये एक राजनीतिक सवाल जरूर हो सकता है, परंतु इस तरह की चीज है। अब सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी अब सीबीआई पे भी आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अंजाम दिया क्या, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और जावेद, मैं इस पर आपसे समझना चाहूंगी और शहबाज साथ में आपसे भी, क्योंकि आप फर्स्ट जस्टिस पूरे केस को फॉलो कर रहे हैं, क्या वाकई इसे, इस पूरी घटना को नशे में रहकर अंजाम दिया गया जिस तरह से ब्रूटली ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है? मैं ये कहना चाहूंगा, जिस तरीके से इसमें कहने की कोशिश की जा रही है, कई बार हम देखते हैं कि जब भी किस तरह के कोई केसेस होते हैं तो उसमें आरोपी पहले बचने के लिए कोशिश ये करता है कि नशे में क्या गया है, इट मीन्स कि वो एक रास्ता तलाशता है कि मैं किस तरीके से जो है कोर्ट में अदालत में कहूंगा कि मैं नशे में था और नशे में मेरे से ये सब चीज़ें हुई है, तो एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज, जब इसके मोबाइल को जब इन्वेस्टिगेट किया गया, उसके अंदर से देखा गया, तो उसके अंदर कई सारे जो बॉन्ड्स वगैरह वीडियो है वो मिलते हैं। सवाल यह है कि उसकी वो जब अंदर आया, क्योंकि उसके आने का टाइमिंग देखिए आप, आने के बाद में फिर दोबारा जाता है, फिर दोबारा से वापस आता है। सवाल यह है कि उस दौरान उसको पहली बात तो ये था कि आया क्यों वो, क्योंकि उसका तो ऐसा कोई कनेक्शन नहीं था, और अगर आ गया तो क्या उसको किसी ने संरक्षण दे रखा था जिसकी वजह से वो आता था? और क्योंकि आप देखिएगा, किसी भी संस्थान में आप जाएंगे, दो तीन बार उस दिन हॉस्पिटल में मूवमेंट थी। देखिए अनन्या, अब जब सीबीआई पूरे केस को उन्होंने हैंड ओवर लिया है, सीबीआई हर एक ग्राउंड से लेकर इन्वेस्टिगेट करे, तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों को इन्वेस्टिगेट किया गया। देखिए, जो लड़की अब इस दुनिया में नहीं है, जिसके साथ इस दर्दनाक जो वारदात को अंजाम दिया गया, उसके 9 तारीख से पहले 8, 7, 6, 5 तक के मोमेंट को सीबीआई एग्जामिन कर रही है। कई सीसीटीवी फुटेज ऐसे मिले हैं जिससे कि सीबीआई को एक बेस मिला है, माँ बाप ने कई लिस्ट दिया है, कई लोगों के नाम दिए हैं, सीबीआई ने पूरे ग्राउंड पे हॉस्पिटल से कई बार 5 से 6 राउंड उन्हें इन्वेस्टिगेशन किया है। अब सबसे बड़ी बात की सीएफएसएल की टीम वहाँ पहुंची है, संजय राय के पूरे मेंटली और उसके चीजों को लेकर जो सीबीआई अपनी एक साइको एनालिस्ट जो एनालिसिस करी वो जानने की कोशिश करी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन वारदात हुई उससे पहले संजय राय कहाँ था, उसने किस किन लोगों से मिला, क्योंकि बैरिक से आपको पता होगा कि सीबीआई ने बैरिक से एक एएसआई को
डिटेन किया है, उससे पूछताछ कर रही है। इसके अलावा कुछ ट्रेनी जो उसके दोस्त हैं उन पे डाउट किया हुआ। सबसे बड़ी बात अनन्या, जो इंडिया न्यूज के पास जो इन्फॉर्मेशन है कि एक डायरी है जिसको वो मेंटेन कर रही थी, सीबीआई उसको भी इन्वेस्टिगेट कर रही कि आखिर अगर क्या इस तरह का उसको कोई डाउट था। क्योंकि देखिए अमूमन जब उसके साथ जब वारदात हुई तो ये प्लानिंग पहले से थी, कितने लोग थे, क्योंकि जिस तरह से पूरी इंसिडेंट हुई जो हमारे तमाम सीनियर कोलीग बता रहे हैं कि इंसिडेंट एकदम से सडनली नहीं हुआ, वो सेमिनार के पास पहुंची होगी, सीसीटीवी पहले से होगा, क्योंकि लगातार आज भी संडे को भी संदीप घोष से सीबीआई ने पूछताछ की है। तो ये पूरी प्लानिंग है और कई ऐसे टेक्निकल एविडेंस को भी इफेक्ट करने की कोशिश की गई होगी जिससे कि चीजें ना हो। और मैं अपनी आखिरी शब्दों में सवाल ये जवाब खत्म कर रहा हूँ, ये अंदाजा लगे कि आखिर तोड़फोड़ करने की कोशिश क्यों की गई 14-15 की रात को, क्यों लोग आए किसी एक बच्ची के साथ। एक बच्ची के साथ जब इस तरह का होता है जैसा कि हमारे जो पैनल से बता रही हैं, एक दर्दनाक है, तो लोग एक भीड़ आती है 6-7 हजार लोग। ठीक है, मैं एक बार रमाकांत जी से भी ये समझना चाहूंगी कि क्या आरोपी इस तरह की चीजों का सहारा लेते हैं ये बताते हुए कि नशे की हालत में उस वक्त वो था, क्या उसने बताया कि वो नशे की हालत में था, पॉर्न फिल्म का आदि था, पॉर्न फिल्म देखता था, और क्या ऐसे में कोर्ट रूम में किसी तरह का कोई एडवांटेज मिलता है आरोपी को? इस पर्टिकुलर केस में कोई एडवांटेज कैसा भी किसी भी अपराधी को नहीं मिलता। जब हम कोर्ट रूम की बात करते हैं तो साक्ष्य वाला विषय सबसे पहले उठ आता है। साक्ष्य अगर शुरू से ही खत्म करने का प्रयास किया गया हो और उसमें पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध हो, और आज ये बहुत छुपी हुई बात नहीं रह गई है, हालांकि हमको जब कोई भी बात होती है तो हम पुलिस का सहारा लेते हैं, बट ब्लैक शीप्स आर ऑलवेज एवरीवेयर। उन अधिकारियों ने उन अपराधियों को संरक्षण नहीं दिया बल्कि सहारा। तो जब उन अधिकारियों ने, उन पुलिस अधिकारियों ने उस साक्ष्य को मिटाने में और उस जघन्य अपराध को डिफरेंट कलर देने में मदद की, तो ये एक ऐसा विषय होता है जिसे कोर्ट थोड़े से और सेंसिटिविटी के साथ, इंटेलिजेंस फेलियर भी, अगर ये ऐसा ना होता तो कलकत्ता हाई कोर्ट में जब चीफ जस्टिस की बेंच के पास ये मैटर पेंडिंग था तो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस इसमें इंटरवीन नहीं करते। तो इसकी सेंसिटिविटी, इसकी गहराई और इसकी शायद जो पकड़ है, जो पावर सेगमेंट्स में, जो पावर कॉरिडोर्स में इसका जो प्रभाव है, वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है, कहीं ना कहीं सुप्रीम लोकल इंटेलिजेंस भी फेलियर है, क्योंकि साथ देखिए निर्भया केस एक एग्जाम्पलरी केस है पूरे हिंदुस्तान के लिए, उनके जो अभियुक्त थे उनको फांसी हो गई। तो जो आपका सवाल था कि क्या नशे की लत में इस तरह की चीज होती है, यस, क्योंकि एक साइको केस भी था और नशे का एक एडिक्ट भी था, तो इस बात से रूल आउट नहीं किया जा सकता कि शराब के नशे में उसने ये विविध एक्ट किया है, परंतु ये उसका डिफेंस भी नहीं हो सकता एट द टाइम ऑफ ट्रायल। जैसे गॉड साहब ने कहा, ये उसका डिफेंस नहीं हो सकता कि मैं शराब के नशे में था। पॉर्न फिल्म मोबाइल में रखना, बच्चों की मोबाइल रखना एक ऑफेंस है, परंतु उससे 16 साल बच्चे की कोई पॉर्न नहीं है, तो ये कोई ऑफेंस की कैटेगरी। अब जल्दी से डायरेक्टर को जरूर इंडिकेट। ठीक है, ठीक है संजीव, देखिए हमें समझना पड़ेगा जब हम क्राइम सीन पे जाते हैं तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, 24 घंटे से लेकर 48 घंटे वहाँ पे जितने भी सबूत है, जितने भी एविडेंस है, उनको कलेक्ट करना। जब उन्हीं को कलेक्ट करने वाले उसी को टेम्पर करने लग जाए, तो उसी पे शक पैदा हो जाए, तो उसके बाद होगा क्या? अब बात आती है कि क्या हमारे पास ऐसे अपराधियों के लिए, क्या इस पूरे वाले इस केस के अंदर जो कोलकाता में डॉक्टर की हत्या हुई है, क्या कोई कॉन्क्रीट एविडेंस है? यस, हमारे पास एक कॉन्क्रीट एविडेंस है, जिस कॉन्क्रीट एविडेंस के ब्याप पे हम ये बता सकते हैं और उनको अंजाम तक पहुंचा सकते हैं, चाहे वो एक अपराधी हो चाहे ज्यादा अपराधी हो। इसके लिए मुझे आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक लंबा दायरा है जिसमें मुझे समझाना पड़ेगा कि कॉन्क्रीट एविडेंस है क्या। ठीक है, चलिए अब हम चौथे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। इंडिया न्यूज का चौथा सवाल क्या है, क्या साइको, नशे की लत, पॉर्न एडिक्ट जैसी थ्योरी जांच को आरोपी संजय रॉय तक सीमित रखने के लिए गढ़ी गई? ये महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जो तमाम थ्योरी संजय रॉय से जोड़ी जा रही हैं, और मैं चाहूंगी इस पर सबसे पहले जावेद आप अपनी राय रखें। जो थ्योरी गढ़ी जा रही है कि पॉर्न आदि था और नशे का आदि था, और जिस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, क्या ये कोशिश की जा रही है कि सिर्फ यहीं तक इन्वेस्टिगेशन
संजय रॉय के इर्द गिर्द घूमती रह जाए। देखिए रम्या, ये जो पूरा एक थ्योरी है, ये कोलकाता पुलिस ने इसको ऑब्जर्व किया, इन्होंने आगे उसके बाद एजेंसी को इन्होंने बताया, फिर जब ये मामला सामने है तो लोगों के सामने रखा। लेकिन सिर्फ पॉर्न मूवी और एडिक्ट होना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पूरी एक प्लानिंग है, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी लग रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हॉस्पिटल है RGKR, इसके प्रिंसिपल को CBI ने जब अपने रडार पे लिया, तो आप देखिए ना, लगातार 3 दिन तक 10 घंटे 12 घंटे क्वेश्चनिंग हो रही है। कहीं कुछ ऐसा है जो वो विक्टिम जो डॉक्टर्स है संजीव, वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा जान रही थी जिसको लेकर एक पूरा कॉन्स्पिरेसी। सिर्फ नशे में आके किसी को मार देना, किसी के साथ रेप करना, ये लॉजिक समझ में नहीं आता। हाँ, एक सपोर्टिव पॉर्न मूवी या ड्रिंक जो है नशा हो सकता है, लेकिन इसके पीछे कोई एक बहुत बड़ा और सभी एक ही तरह की भाषा बोल रहे हैं, पुलिस, प्रिंसिपल संदीप घोष और साथ ही पेरेंट्स को भी जो सूचना दी गई उसमें सब में यही कहा गया। CBI जब गई अभी 2 दिन पहले, यानी कि शुक्रवार के दिन, तो CBI ने जहां पे वो बैरक में छुपा था, जहां रुका था, वहां से कुछ सैंपल्स, कुछ एविडेंस को CBI ने वहां पे कलेक्ट किया है। ये कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता है। CBI की 25 लोगों की टीम है, जिसमें एडिशनल डायरेक्टर जो खुद दिल्ली से गए हैं, दिल्ली से उनके साथ सपोर्टिव टीम गई है, फॉरेंसिक की पूरी टीम गई है, वो फॉरेंसिक जिसने आरुषि से लेके और अभी रिसेंटली आपको जो नीट का मामला हुआ था, ये वही CBI की टीम है। तो CBI इसमें पूरे ग्राउंड लेवल पे सिर्फ 5-10 लोगों के क्वेश्चनिंग से नहीं है अनन्या, इसमें CBI तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों को इसमें चाय मूवमेंट, इंसिडेंट से दो घंटे पहले, इंसिडेंट दो घंटे बाद, इंसिडेंट से पहले उस विक्टिम का क्या मूवमेंट था, 8 तारीख को क्या था, 7 तारीख को क्या था, पूरा ऑब्जर्व करी। इसमें तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों से क्वेश्चनिंग होगी, कई एविडेंस होंगे, और सबसे बात है वो डायरी, क्या उस डायरी में कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो उस विक्टिम वो इशारा करे। ठीक है, आप ये जो CBI ने डायरी कब्जे में ली है, और साथ ही उस ये कहा जा रहा था कि वो डायरी पीड़िता जो है वो मेंटेन लगातार कर रही थी, उसमें तमाम जानकारियां जो है वो कहीं ना कहीं हो सकती है। और मैं चाहूंगी कि शहबाज इसे प्रॉपर तरीके से एक बार बताएं कि कहां कहां चोट के निशान और कहां कहां बॉडी को कैसे कैसे डैमेज किया गया, किस स्थिति में बॉडी मिली वहां पर पड़ी हुई। और साथ ही मैं ये भी समझना चाहूंगी आपसे कि क्योंकि ये जो पूरा अपराध है वो कोई एक शख्स इस वारदात को अंजाम दे ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं, कई लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, तो मैं एक बार चाहूंगी कि आप इसे प्रॉपर बताएं। अनन्या देखिए, ये चश्मा है, इस चश्मे को आप देखिए, अगर कोई चश्मा, अगर कोई सपोज अगर आप जैसे सपोज ये सर मेरे पास यहाँ पर इस तरह से अटैक कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो मैं अपने आप को एक तरह से बचाने की कोशिश करूँगा, तो ये जो चश्मा है जब यहाँ उतरेगा, उतारने का मतलब ये लग के अंदर की तरफ जा रहा है, एक तो ये हो गया। उसके बाद में जब आप किसी को पीछे धकेलते हैं तो पीछे गिरने की वजह से जो अभी हमने इससे पहले बताया था एक्टर, क्योंकि ये पूरे कॉलोन जब ये पूरा क्राइम सीन हो जाता है, सीक्वेंस हो जाता है, उसके बाद में फिर और आगे बढ़ लिए उसको जो है प्राइवेट पार्ट में हाथ पे और हाथ पे होता है, फोटो पर होता है, और ये किसी केले की उसकी हाइट कम थी, जनरल की हाइट कम थी, वेट कम था, उसने जब पुश किया तो हाइट के नीचे, तो उसका पुश हाथ ऊपर गया, नीचे जाएंगे ऊपर जाएंगे तो अगर उसने फेस के ऊपर पुश किया बहुत जोर से, नशे में है पुश उसने ऊपर से किया, बॉडी गिरी, बॉडी की कलर बोन टूटी, अनकॉन्शियस बॉडी के साथ वो क्या कर रहा है ये अलग बात है, उसके साथ कोई और लोग हैं वो एक अलग बात है, दैट इन्वेस्टिगेशन पार्ट। लेकिन हमें ये समझना होगा कि जैसा आपका एक सवाल था कि क्या एक नशे का आदि एक कौन देखने वाला क्या इतना जघन्य अपराध कर सकता है। जिसका बहुत गंदा था, बहुत गलत था, क्रिमिनल ग्राउंड था, वही रहता था, ये सारा का सारा एक बहुत शानदार कहते हैं तो बात कुछ और होती है। एविडेंस इतने हल्के हैं, आप किसी को फ्रेम तो कर रहे हैं, आप वजह भी बता रहे हैं, लेकिन आप एविडेंस इतने हल्के रख रहे हैं कि वो भी एक दिन छूट जाएगा। क्योंकि देखिए, जब आपके पास एविडेंस नहीं है और एविडेंस अगर टेम्पर कर दिए गए, और टेम्पर करने वाले भी इंटेलिजेंट
पुलिस इन्वेस्टिगेटर अगर है तो ऐसे में सीबीआई भी कुछ नहीं कर सकती। सीबीआई भी जो भी इन्वेस्टिगेशन करेगी अपने एविडेंस की बिहाफ पे केस को आगे ले जाएगी। केस में आप आगे किसी को भी ले जा सकते हैं लेकिन सजा नहीं करा सकते, विदाउट एविडेंस किसी को सजा नहीं कराई जा सकती। देखिए मेरा कहना इसमें यह है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है केवल क्यास पे अंदाज पे नहीं लगाई जा सकती। अब जैसे कह रहे हैं कि सबूत सारे समाप्त हो गए, नहीं हुए। जो लोग भी आपको एक एविडेंस ज्यादा सॉलिड है जिसमें मैं पहले बता सकता हूं कि एविडेंस है आजकल साइंटिफिक टाइम में पुराने टाइम साइंटिफिक एविडेंस ही है मेरे पास। उसमें सीसीटीवी फुटेज है, उसके अंदर जो उसकी जितने भी आदमी उस सेमिनार हॉल में आएंगे उनकी कॉल डिटेल्स वहां पर होगी। लोकेशन वो नहीं डिस्ट्रॉय हो सकती, दो साल तक भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। उसके अलावा जो वहां पर जिस एक्यूज की बात हो रही है उसकी लोकेशन होगी, उसकी प्रेजेंस वहां साबित करेगी कि केवल और केवल ये एक्यूज था, इसके साथ 50 आदमी थे या 2 आदमी थे। तो थोड़ा सा इसमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का टाइम है और अदालत भी उन चीजों पर विश्वास करती है। तो केवल ये क्यास लगाने से कि 50 आदमियों ने रेप किया या अदालत का पक्ष से नहीं, इन्वेस्टिगेशन के लिए सबूत चाहिए, उन्हीं पर सजा होती है, उन्हीं पर बरी होते हैं, तुक्के से नहीं होते। अदालत क्या करेगी ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने बहुत अच्छे से दिखाया। उस प्रिंसिपल को लॉन्ग लीव पर भेज दिया गया। एग्जैक्टली कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऐसा क्या सेंस किया कि इसमें प्रिंसिपल का जो रोल है वो भी संदिग्ध है। तो अगर प्रिंसिपल उसमें इन्वॉल्व है, पुलिस कमिश्नर और पुलिस डिस्पेंसेशन की भूमिका बार बार संदेह के घेरे में आ रही है, तो एविडेंस ठीक है आप कहें डिजिटल फॉरेंसिक है वो रहेगा, जो डीएनए सैंपल से इंटीग्रिटी डाउटफुल है आपके हिसाब से, आप डाउटफुल नहीं है लॉजिकल तो हूँ कलकत्ता हाईकोर्ट में मिली भगत थी इन्वेस्टिगेशन क्योंकि न्यूट्रलाइज होते इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कर सके इसलिए छुट्टी पर भेजा करके नहीं भेजा के उनकी मिली भगत है। दोनों में डिफरेंस आप रिएक्शन में पहले आ गए बिना लिसनिंग। तो जब कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेशानुसार प्रिंसिपल चला गया छुट्टी पर और उसको सीबीआई लगातार तीसरे दिन इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो उस प्रिंसिपल की भूमिका संदिग्ध है नहीं होगी, यही बात करनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन जरूर। अब आपको बीच में रनिंग कमेंट्री की आदत है तो दिक्कत है। जो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, सबसे पहले उनको इस्तीफा देना चाहिए। उसके बाद जो ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी लोग हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता का तो राजनीतिक इस्तीफा दे देना चाहिए। उनकी समय की वैसे भी कमी है हमारे पास और सभी से ओपिनियन। और बिल्कुल अब देखिए पांचवा सवाल है कि प्राइवेट पार्ट में सीमेंट की मात्रा को लेकर अलग अलग दावे हैं, रेप या गैंगरेप, कैसे सीमेंट की मात्रा से ये तय होता है? देखिए जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सामने आया है, और मैं चाहूंगी कि संजीव जी इसको प्रॉपर समझाएं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सीमेंट की मात्रा जो दावे किए जा रहे हैं कि ये एक शख्स के का कारनामा नहीं हो सकता, कई लोगों की इन्वॉल्वमेंट होगी, गैंगरेप भी हो सकता है, आपके हिसाब से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपने देखी है क्या है उसका? देखिए मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि कोई भी केस एविडेंस के ऊपर ही चलता है और यहाँ पे एविडेंस टेंपर की गई, लेकिन उसके बावजूद भी एक ऐसा एविडेंस है जो काफी इम्पोर्टेंट भी है और कंक्रीट भी है। हाँ, वो कैसे? हम जिस बात सीमेंस की बात कर रहे हैं, देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत क्लियर लिखा गया है कि 150 mg मिलीग्राम एक वाइट फ्लूड मिला है, वाइट फ्लूड सीमेंट नहीं है, पर वो पूरी बात सुनिए, रनिंग कमेंट्री मत दीजिए, रनिंग कमेंट्री मत दीजिए, पूरी बात सुनिए, आपने पूरी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा ना रिस्पॉन्स, मैंने सीमेंट बोल रहे थे, नहीं मैंने, आप पूरी बात सुनेंगे पहले, पूरी बात सुनिए, मैंने वाइट फ्लूड वर्ड यूज किया, मैंने वाइट फ्लूड यहाँ गैंगरेप, एक मिनट रुकिए ना,
या तो आप बोलने दीजिए, आप अपना आगे बोलिए। आपको बताता हूँ, चुप तो रहेंगे, चुप रहेंगे। कन्फर्म भी नहीं कह सकता की 150 ग्राम यदि रेजिनल स्वाब उसका मिल गया तो रेप हो गया, गैंग रेप हो गया। लैब लिखा है उसके लिखा है व्हाइट फ्लूड लिखा है उसके अंदर, गैंग रेप हो गया। गैंग रेप का कारण नहीं हो सकता, गैंग रेप का कारण नहीं हो सकता। तो हुआ क्या कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर 150 mg व्हाइट फ्लूड मिला। अब आगे सुनिए, जो इम्पोर्टेंट जो इनको पता नहीं है कि मैं क्या बताने वाला हूँ, जो व्हाइट फ्लूड मिला वो कहाँ मिला है? वो मिला है एंडोकार्डियल कैनाल के अंदर। कहाँ होती है जनाब, ये बताएंगे? बॉडी प्राइवेट पार्ट में होती है जी। नहीं, अब आपको बताता हूँ कहाँ होती है, ये बॉडी पार्ट के इंटरनल पार्ट के अंदर होती है, जहाँ पे व्हाइट फ्लूड मिला है। और जहाँ ये व्हाइट फ्लूड मिला है इंडोकार्पिकल कैनल के अंदर, काफी संभावना है। फिर मैंने कहा 100% नहीं, क्योंकि वहां पे सीमन नहीं लिखा गया ना, व्हाइट फ्लूड लिखा गया है। काफी संभावना है कि ये सीमन हो। अब बात आती है कि सीमन 150 mg, अगर आप थोड़ा सा ये कहते हैं पढ़े लिखे, मतलब इसको समझे तो ml के अंदर आता है, कहते हैं सीमन किसी कहते हैं व्यस्त इंसान का। जब ml के अंदर आता है और ये mg में मिला था, mg तो बहुत कम होता है, तो mg इसलिए कम होता है क्योंकि एक सीमन के अंदर आपका वाटर का कंटेंट होता है, प्रोटीन का कंटेंट होता है। ये 11 तारीख को पोस्टमार्टम हुआ है, 8 तारीख को हत्या होकर 9 तारीख को पता चला है। उस 3 दिन के अंदर जो वाइट फ्लू कहते वाटर था वो कहीं ना कहीं डिजोल्व हुआ होगा, और प्रोटीन जो बचा तो वो mg में काउंट हुआ। तो 150 mg प्रोटीन काउंट होने का मतलब ये है कि ये हो सकता है कि गैंग रेप की तरफ इशारा करे, ये हो सकता है संभावना, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में ना तो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी, ना मैंने CBI जो है लगातार जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स लगातार उत्तर जो कोलकाता पुलिस उनके इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं सवाल उठा रही है। अब CBI जो इन्वेस्टिगेशन है, जो आगे लोगों से पूछताछ कर रही है, वो उनके जो टीडी डॉक्टर है उसके माँ बाप के ही बेस पे, उसके बयान पे, उनके लिस्ट पे ही अब CBI उन लोगों से पूछताछ कर रही है और उन्हीं को रूल आउट कर रही है। तो इस तरह से कई लंबी लिस्ट हो गई है। और इसमें जो सेमिनार की अगर हम बात करें तो तमाम दिल्ली पुलिस में इन्वेस्टिगेटिव है और सुप्रीम कोर्ट के भी हमारे कुलीग हैं, तो सेमिनार रूम में जहाँ पे पूरा इंसिडेंट हुआ, तो ये समझने की बात है कि एक दो लोग नहीं, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का सेमिनार रूम है, मूवमेंट जरूर रहा होगा, कई लोग होंगे। तो इसके पीछे सवाल सिर्फ एक ही है कि एक बहुत बड़ी साजिश कहीं ना कहीं इसको पीछे से, टाइम भी ध्यान रखना, रात को 3 बजा था, ये भी ध्यान रखिए, हॉस्पिटल का टाइम है वेद जी। देखिए जब हम फिर बात वही लाते हैं कि कितना सीमन मिला और क्या स्टेज है, तो बहुत जल्दी कंक्लूजन्स पे हम जंप नहीं करते। कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज वेरियस थ्योरीज पे काम करती है। इन थ्योरीज में एक थ्योरी ये भी आती है कि ये एक व्यक्ति इतना जघन्य अपराध नहीं कर सकता, इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता कि इतना आघात पहुँचाकर उस लड़की के विभिन्न अंगों में तोड़ फोड़ भी कर, वो भी मतलब नशे में वैसे भी संभावनाएं उतनी नहीं रहती, तो संभावनाएं हैं। उन हर संभावनाओं को CBI जैसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर रही है। बहुत जल्दी जंप करने की आवश्यकता नहीं है, देश की सर्वोच्च अदालत भी आज इस मामले को स्वयं में देख रही है। पर आज सिर्फ बात वही आती है कि क्या ऐसे जघन्य हत्यारों को हम आज भी अपराधी मान के और सजा दिला पा रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। हर 20 मिनट में, अगर मैं NCRB डेटा की बात करूं, हर 20 मिनट में एक लड़की के साथ रेप हो रहा है, रिपोर्टेड रेप, अनरिपोर्टेड की बात नहीं कर रहा। तो आज हमने पहले दिल्ली में निर्भया की बात की, कोलकाता में इस बेटी की बात की, उत्तराखंड में हम अभी ये सुन रहे हैं, तो बेंगलोर हर 20 मिनट में एक रेप हो रहा है।
एक महत्वपूर्ण सवाल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद मैं आप सभी का ओपिनियन लूंगी। और हमने एक नया कानून भी लिया निर्भया के बाद, डीएसएस में भी प्रोविजन लिया है, इन हत्यारों को मार के क्यों नहीं सजा देते, हम इनके लिए फांसी का प्रोविजन क्यों नहीं रखते, क्योंकि जब जब इतनी सारी फांसी की सजाएं इन जघन्य हत्यारों के लिए क्यों नहीं रखी जाती, कि इन रेप के ऐसे मसलों में हम हमारी सरकार क्यों नहीं ऐसा कानून बनाती कि उसको फांसी की सजा दी जाए। ये बहुत बड़ा सवाल है और इस पर वाकई चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अगला सवाल बेहद महत्वपूर्ण है जो पीड़िता के पेरेंट्स की तरफ से उठाया गया, और अगला सवाल ये है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि पीड़िता का मर्डर कहीं और हुआ हो, उसे बाद में सेमिनार हॉल में लाकर रख दिया हो। और अगला सवाल देखिए, आखिरी सवाल है हमारा, सातवां सवाल, क्या कोलकाता की घटना एक प्लान मर्डर है, ये भी बड़ा सवाल है। और मैं चाहूंगी कि इस पर सबसे पहले वेद प्रकाश जी, क्योंकि वेद भूषण जी, क्योंकि पीड़िता की फैमिली ये कह रही है कि हो सकता है कि पीड़िता का मर्डर कहीं और हुआ हो और बाद में उसे सेमिनार रूम में आकर, पीड़िता की मर्डर फादर उनके रिश्तेदारों का सवाल बिल्कुल वाजिब है, उनको सवाल करने का पूरा हक है और उठाना भी चाहिए कि क्या मेरी बेटी के साथ पहले मर्डर हुआ या पहले रेप किया गया। सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन में यही पॉइंट आता है कि क्या पहले रेप हुआ, क्या एंटीमार्टम इंजरीज हैं या पोस्टमार्टम इंजरीज हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट एक सवाल अभी पैदा हो रहा था कि ट्रायल को लेकर निर्भया का जो इन्वेस्टिगेशन थी पुलिस ने, मात्र दिल्ली पुलिस ने 18 दिन में पूरी की, 7 साल बाद उनको फांसी की सजा हुई। तो ये जो तमाम प्रक्रिया है, नया कानून भी आ गया है, नई पार्लियामेंट भी बन गई है, सब चीजें नई हो रही हैं देश के अंदर, परंतु जो जो तमाम जो घटनाक्रम है जरूर इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं पूरे समाज को सोचने की जरूरत है। इसके अंदर हर इसको संभावना से रूल नहीं किया जा सकता कि दोबारा उसी हॉस्पिटल में या कलकत्ता के अंदर रेप होने बंद हो जाएंगे, इसका कोई सवाल। अभी एक सवाल मेरे साथी पूछ रहे थे कि इसका एनकाउंटर कर देना चाहिए, कलकत्ता में एक एनकाउंटर किया था पुलिस वालों ने, उसमें पुलिस वाले आज भी ट्रायल फेस कर रहे हैं। क्या जो पेरेंट्स को आरोप लगा रहे हैं कि कहीं और मर्डर किया और उसके बाद सेमिनार में रख दिया, और जो पूरी कोलकाता की घटना, क्या ये एक प्लान्ड मर्डर है? देखिए, जब भी किसी के साथ जघन्य अपराध होता है तो उसके जो भी रिलेटिव्स होते हैं, माता पिता या जो भी दोस्त यार, उनके दिमाग में बहुत सारे शक आते हैं और शक के आधार पे वो ये बोल सकते हैं कि कहीं और मर्डर हुआ हो और यहाँ बॉडी लाई गई हो, रेप बाद में हुआ, पहले हुआ, वो सब इन्वेस्टिगेशन के पार्ट है। कोई भी हम में से यहाँ ये क्लियर नहीं कर सकता कि वहीं मर्डर हुआ था या कहीं और मर्डर हुआ था, लेकिन प्राइमा फेसिया लगता है कि ये अपराध उसी जगह हुआ है, क्योंकि जो उसकी टांगे इतनी ज्यादा चौड़ी करके खींच दी गई हैं या बॉडी के साथ जो ब्रूटल कहते हुआ है, वो शीशे टूटे हुए हैं, वो शीशे वहीं पड़े हैं, तो इसका मतलब वो सारी की सारी जो हरकतें वो उसी जगह पर हुई होंगी। अगर बाहर हुई होती तो शायद बॉडी में जो कांच था वो वहां नहीं मिलता, जो कहते टांगे इस तरीके से थी वो उस पोजिशन में वहां नहीं मिलती, बॉडी को तरीके से लाया गया होता ना, कि अपराधी बाहर से करके आए और नाखूनों के अंदर जो एक तरीके से त्वचा मिली है, बाल मिले हैं, कुछ बाल मिले हैं, तो वो भी सीसीटीवी फुटेज में वो आता दिख रहा है, 10 मिनट बाद के जाता दिख रहा है, उसी तरह लड़की भी आती दिख रही है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि उसको कहीं मार के कहीं दूसरी जगह लाया गया हो, बाकी चीजें सब कहानी हो सकती है, परंतु इसमें कोई शक नहीं है, उसी सेमिनार हॉल के अंदर उसका मर्डर हुआ है, इस चीज से रूल आउट नहीं किया जा सकता। एक चीज ये भी, कलकत्ता विच डॉक्टर बेटी का रेप हो गया, वो जिहड़ी मानवता दी जिहड़ी है वो सेवा कर रही थी, ते जिहड़े लोगों ने मानवता का कान किया है उन्हां दी जायदाद क्यों ना कुर्क कीती जावे, ते उन्हां नूं फांसी दी सज़ा क्यों ना दित्ती जावे, ये क्यास रहियां चलदियां रहनगियां। ते मोदी जी उत्ते भी सवाल उठते रहनगे, किवें दी बेटी बचाई ते किवें दी बेटी पढ़ाई, जिहड़ी 2015 विच नौबत आई मुरथल गैंग रेप दी, जिहड़ी अज तक ना सुधार कर पाई, निर्भया कांड तो लग के अज तक किवें ते किस तरह गल गई हो, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਦੀ ਲਹੂ ਦੀ ਲੋ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਪਿਸਟ ਕੰਟਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਤੀਆ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਕੁਛ, ਕੀ ਇਹ ਰਿਵਾਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਅਵਾਰਡ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੀਡਬੈਕ ਦਈਓ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀਓ,
तो जेडे भी सज्जन इस गल दे उत्ते गल करनी चाहते हैं वो फीडबैक दे रहे हैं अपने गल मेरे तक पहुँचाने का यतन करियो। मेरा मोबाइल नंबर है 9888290006। जरूर गल्लां करो करदे हो तुसीं तुहाडी साथ सहयोग ते आसरा जिहड़ा है मेरी एक ताकत है मेरे इस चैनल की ताकत है। देश हिते च पा दिती है ते गल तुहाडे नाल फिर दोबारा निभा दिती है गल्लां इन्नियां कु दे नाल करदा। सत श्री अकाल एडवोकेट जगमोहन सिंह पट्टी यूट्यूब चैनल की इस भेट नूं वध तों वध शेयर कर देना बेटियां दे हिते च शेयर कर देना ते मेरे इस चैनल नूं सबसक्राइब भी कर देना तां कि तुहाडी आवाज़ वेले कवेले पहुँचती रहे थोड़े तक देशवासियों तक।